फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है बूटस्ट्रैप। मैं आपको बताने वाला हूँ बूटस्ट्रैप क्या होता है, क्या इसके कॉमन यूजेस हैं। बहुत ही सिंपल, आसान, समझ में आने वाली भाषा में बूटस्ट्रैप क्या होता है, देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। काहे के लिए? वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए। अब इसका यूज़ क्यों होता है? आज के दौर में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फ्रेमवर्क है वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। इस फ्रेमवर्क में HTML, CSS, JavaScript इन सब का यूज़ होता है, लेकिन इसके ज़रिए जो टेम्पलेट्स जो मिलते हैं, इसके ज़रिए जो डिज़ाइन लेआउट्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड हैं, जिसकी वजह से आज के दौर में जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क बन गया है, स्पेशली वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ये जो रिस्पॉन्सिव वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्सिव होना, उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ टॉपिक दैट डिजर्व्स स्पेशल अटेंशन एंड आई थिंक वी शुड हैव अनदर वीडियो ऑल्सो ऑन दिस। अभी के लिए रिस्पॉन्सिव मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ वेबसाइट इज़ इट्स कैपेबिलिटी टू ऑटो एडजस्ट विद द स्क्रीन साइज। किसी भी साइज़ की स्क्रीन पर आप वेबसाइट यूज़ करें, चाहे 5 इंच के मोबाइल पर, चाहे 15 इंच के लैपटॉप पर, वो सेम वेबसाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और उसका जो यूज़र इंटरफेस है, जो भी आपको दिख रहा है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, उसमें पिक्चर लेआउट डिज़ाइन, जो भी आप वेबसाइट में देखते हैं, जो भी विजुअली सीन है, वो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्क्रीन साइज। तो ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। तो इसके लिए बूटस्ट्रैप का आज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो इसमें लेआउट्स हैं, मैंने अभी उसके बारे में बताया, एक वेब एप्लीकेशन में रिस्पॉन्सिवनेस को ध्यान में रखते हुए जितने भी अलग अलग फ़ीचर्स होने चाहिए, उसका वेबसाइट का नेविगेशन, उस वेबसाइट के लेआउट, उस चाहे उसका ग्रिड लेआउट है या लिस्ट लेआउट है, वो अलग अलग स्क्रीन साइज के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये बहुत ही अच्छे और वाइडली अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप में। ये बूटस्ट्रैप ट्विटर का बनाया गया है, ट्विटर बूटस्ट्रैप इसको बोलते हैं। और अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप गूगल कर सकते हैं गेट बूटस्ट्रैप, आपको सबसे पहला जो रिजल्ट मिलेगा getbootstrap.com का मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो बूटस्ट्रैप वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश में बूटस्ट्रैप बोलते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है बूट में एक लूप, एक पीछे एक उस फीते से बना हुआ एक लूप होता है, इसको लुप्पी भी बोलते हैं, जिसमें हाथ डाल के, उंगली डाल के आप बूट को पहनते हैं, हिंदी में इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर नाम से ये पता लगता है इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा फीचर है एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए है, और रिस्पॉन्सिव का मतलब है स्क्रीन साइज़ में फ़िट करना। जैसे कि बूट में आप अपने पैर को डाल के, बूट को खींच के पैर को फिट करते हैं बूट के अंदर, उसी हिसाब से इसको ये नाम दिया गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्क्रीन साइज आपको ऐसे लेआउट्स मिलेंगे, ऐसे डिज़ाइन मिलेंगे, ऐसे टेम्पलेट्स मिलेंगे जो कि आप किसी भी स्क्रीन साइज़ में फिट कर सकते हैं। तो शायद इसीलिए ट्विटर ने इसको बूटस्ट्रैप नाम दिया है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा, मैं आपको सिंपल भाषा में इसका यूज़ बताता हूँ। किसी भी चीज़ को बनाते हैं, जब उसकी डेवलपमेंट करते हैं, चाहे जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सिर्फ वेबसाइट की नहीं, सिर्फ वेब एप्लीकेशन की नहीं, किसी भी चीज़ की, मान लीजिए अगर फैक्ट्री में ये चश्मा बनता है, तो क्या इसको हर चश्मे को दोबारा स्क्रैच से बनाया जाता है, दोबारा इसको स्क्रैच से प्लास्टिक शीशा सब कुछ बनाया जाता है? नहीं। किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी डेवलपमेंट आसान बनाने के लिए सांचों का, टेम्पलेट्स का यूज़ होता है, जिससे कि वो एक बार टेम्पलेट बन जाए, फिर जो किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि बार बार करनी पड़ती हैं, टेम्पलेट के ज़रिए वो आसान हो जाती हैं, उससे डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग उसकी फास्टर हो जाती है, और फिर आप लगातार उसका प्रोडक्शन करते रहते हो। तो इसी तरीके से बूटस्ट्रैप में आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलता है जो जिसमें काफ़ी हद तक जो फाउंडेशनल वर्क है एक वेब एप्लीकेशन का, ख़ासतौर से एक रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन का, वो आपको पहले से किया कराया मिल जाता है। काफ़ी तरीके की वेराइटी ऑफ लेआउट्स मिल जाते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और अपने ओवरऑल वेब डेवलपमेंट प्रोसेस को काफ़ी एफिशिएंट और फास्ट बना सकते हैं। तो ये था छोटा सा बूटस्ट्रैप के बारे में
ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी बूटस्ट्रैप के बारे में। इस तरीके के वीडियोस और आते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं अब आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। और दोस्तों, जाते जाते एक व्हाट्सएप पर अच्छा आया, ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा। शायद आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही सुनाता भी रहूँ। मेरे चेहरे पर उदासियाँ तुमको कहाँ दिखती, तुमको तो मैं हमेशा देखकर मुस्कुराता था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।